अरे भैया, ये क्या करते नहीं रहुआ है? ये क्या चीज है भैया? जानते नहीं हैं, ये जो है ना, हाँ, इसको बरसाती फल बोलते हैं। मतलब बम्बैया में इसको बोलते हैं पेरू, और गौवा में हमारे बिहारवा में यूपिया में लोग बोलता है इसको अमरूद। हम इसको बोलते हैं ठेठ भोजपुरी भाषा में रूनी रूनी। आ जानते हैं रूनी खा लो भैया, वो रूनी में मतलब जानते हैं? अरे बाप, का बताए भैया, कहते हैं लोग कि अमरुद के एगो बिया में एक घड़ी पानी पावल जाला। समझिए, अच्छा, अमरुद के बिया में एगो बिया में एक घड़ी पानी पावल जाला। अब समझिए इससे खाने से क्या होगा, क्या फायदा होता है? अरे बाप रे, सबसे पहले तो नाक के पोटा सूर सूर गिरता है, उसके बाद तक सर्दी खांसी अलग है। लेकिन हाँ, सीजन में खाइएगा तो कुछ नहीं होगा, विदाउट सीजन खाइएगा तो सर्दी खांसी बुखार नाक से सूर सार सब होगा। लेकिन कुछ भी कहिए भैया, लेकिन हम जब इसको खाते हैं ना, तो देखिए मजा आ रहा है ना। खाली चुपचाप लेते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। इसी को बोलते हैं अमरुद ले लो, तो कोई बोलता है पेरू ले लो। भैया देखिए, मस्त अपने घर पर बैठ कर रोज मैं शाम को रोटी के खास कर मैं रोज रात को पेड़ में से तोड़ता हूँ, तोड़ के लाता हूँ मस्त 20-25 हो, और मस्त अकेले बैठ खाता हूँ। भले नाक तो पोटा दिएगा तो क्या है, बोले नाक से सुर सुराऊंगा करूंगा, लेकिन अमरुद खाना नहीं छोड़ूंगा भैया। कहे कि जाते हैं बोले नाक से पोटा गया है, लेकिन इसमें जो स्वाद मिलता है ना, दिमाग तो फ्रेश होता है। अमरुद खाने से क्या होता है, दिमाग फ्रेश होता है, नींद अच्छा आता है, ठंडी नहीं लगती है, मिजाज फ्री रहता है। लेकिन कब, कुछ लोग बोलता है धूप में खाइए, बताइए ना। और खाने का चीज है, धूप में खाऊं, छाव में खाऊं, रात को खाऊं या सुबह खाऊं, खाने का चीज खाइए कलर में जी। अब देखिए थोड़ा कच्चा है तो कोई बात नहीं, कच्चो कच्चो खाया जाता है, लेकिन मैं नहीं खाऊं, दांत टूट जाए कि दांत पी। ये देखिए देखिए, ये बनारसी नहीं बिहारी फल है अमरूद, ये को खा लेते हैं ना भैया, क्या बताएं, दिल मतलब दिल और दिमाग दोनों फ्री हो जाता है। एक्टिंग करने में तो मजा आता है इसको खाने के बाद। हाँ, अरे खिलाइए जिसको नाक में सर्दी। और सबसे पहले जानते हैं इसको खाने के बाद क्या होता है, और ना बोलते हैं भोजपुरी पीलिया, पीलिया बीमारी, अंग्रेजी में बोलते हैं जॉन्टिस है ना। पीलिया तो हकबे नहीं करेगा कसम से, एगो अमरुद खा लीजिए मेरे रात को। हरे राम जानते हैं सबसे प्यारा फल किसका है? सुगा का। तोता, जिसको अंग्रेजी में पैरोट बोलते हैं, हिंदी में तोता बोलते हैं, भोजपुरी में सुगा बोलते हैं। सुगा का सबसे प्यारा फल है अमरुद। आता है ठोड़ मार के, देखिए ना इसमें जगह ठोड़ मार दिया है, ये देखिए सुगा ठोड़ मार दिया। कहते हैं कि सुगा का ठोड़ मारा हुआ खाने से बड़ा फायदा होता है, बड़ा अच्छा होता है, तो खा लूटना है आज भी खाइएगा। बिहार यूपी में क्या, ये पूरा हिंदुस्तान में कहीं कहीं विदेशों में देखा हूँ मिलता है, अंग्रेजी में कौन बोलेगा। अमेरिका में जाइएगा इसको गाभा बोलते हैं, चीन में जाएगा चिंग तो चिंग बोलते हैं, जापान में जाएगा इसी अमरुद को तो चिंग तो बोलते हैं, और
अमेरिका में कहाँ बोलते हैं, लंदन में कहाँ बोलते हैं, और भारत में तो पूछे मत, कहीं पेरू कहीं अमरुद मीठा फल बोलते हैं, अब कहीं कहीं इसको हमारे बिहार भाषा में रूनी बोलते हैं। भैया खा तो लिए हैं लेकिन जोर बना रहता है कि नाक से बुलबुला नाक लिए हो, कहे कि भैया ये जितने अच्छे हैं ना सर्दी का दवाई हो। हाँ भैया लो बाप हो बा तो ले लो अमृत खा लो, अमृत खा लो हरा हरा ताजा ताजा। ऐसे बेचता है सब, मैं नहीं बेच रहा हूँ, बेचता है सब बजरिया में। तो हम तो भाई जैसे फकीर आदमी हैं, रात हो या दिन हो शुद्ध फल का प्रयोग हम करते हैं। रात को खाना नहीं खाते हैं, खाली फल फूल खाते हैं। हाँ भैया तब तो मतलब स्ट्रांग बॉडी है, स्ट्रांग बॉडी इसको अंग्रेजी में स्टील बॉडी बोलते हैं। सब अमरुद का कमाल है भैया, देखिए हरा हरा पक्का पक्का कचा कचा। हाँ तो ठीक है, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरा जरा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ अमरुदिया कायल मत भूलिएगा भैया, कहे कि ये नाक का औता पोता सब अलाय बलाय निकाल देता है।